नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला वित्त के में। बिहार पुलिस का एग्जाम डेट आ गया, सभी लोग जान भी गए हैं। जानने से भी नहीं होगा, एग्जाम डेट आने से भी नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि बिहार पुलिस 21,391 में एक सीट आपका हो, तो जो भी बता रहे हैं उसको फॉलो करिए। गारंटी के साथ मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इन बचे हुए 90 से 100 दिन में जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अगर आपने फॉलो किया तो वर्दी लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो करना क्या क्या है ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं जो भी बताऊँगा उसको आप फॉलो करेंगे, तभी ये वीडियो को देखिएगा, अन्यथा अपना समय बर्बाद मत करिए। आप है कि नहीं, आप जो कर रहे थे वो करिए। अगर आपको लगता है कि जो भी ये बताएँगे उसको कर पाऊँगा, तभी आप ये वीडियो को देखिएगा। बहुत पहाड़ तोड़ने जैसी मैं कोई बात नहीं बता रहा हूँ, मैं वैसी ही बात बता रहा हूँ जो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो सबसे पहला कार्य दोस्तों, देखिए, लूसेंट हो या क्राउन हो, आज से आप रिवीजन पर लग जाइए। देखिए, गलती मत करिएगा, आप कोशिश करते हैं याद करने की, जब पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं याद कर लूं, ऐसा नहीं करना है आपको। अब तक जो याद करना था आपने कर लिया, अब इन 3 महीनों में आपको केवल और केवल फटाफट रिवीजन, जी हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार मैक्सिमम बार, जितनी बार हो सके, लूसेंट और क्राउन दोनों को एक बार लूसेंट पढ़िए फिर क्राउन, लूसेंट क्राउन। देखिए, दोनों में कंटेंट भिन्न भिन्न है और एग्जाम में दोनों से प्रश्न आता है, तो इसको आपको रिवीजन करना ही करना है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही ना बरतिए, पहला पॉइंट, अगर इतना कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करा रहे हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आप हमारे माध्यम से भी कर सकते हैं। और अब तक मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की केवल एक सब्जेक्ट करा रहा था, लेकिन चूंकि अब एग्ज़ाम डेट आ ही गया है, सब लोगों को पता चल ही गया है, तो अब मैं प्रतिदिन 2-2 सब्जेक्ट का कराऊंगा। चाह रहा हूं मैं ऐसा करना, आप लोग राय दीजिए कि क्या 2-2 सब्जेक्ट कराएँ या सिंगल ही चलते रहें। अभी ये दो चीज़ तो आप या तो खुद से कर सकते हैं, या हमारे चैनल से कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ से आप वहाँ से आप कर सकते हैं, ज़रूर करिएगा। नहीं करिएगा तो फिर कमेंट करिएगा कि सर नई वैकेंसी कब आएगी, तो इससे बचिए। तीसरी बात कि आपको प्रैक्टिस सेट अब शुरू कर देना चाहिए, जी हाँ, प्रैक्टिस सेट अब शुरू कर देना चाहिए। अब हाथ पर हाथ धर के ना बैठिए, अगर हाथ पर हाथ धर के बैठेंगे भाई, मित्र बंधु, तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान होते देखेंगे। तो इस वजह से आप जो है वह प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस से दोनों को स्टार्ट कर ही दें हर हाल में, है ना। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि सर, जो पिछला बार आपने क्लास कराया है 100 वीडियो वाला, वो काम आएगा कि नहीं आएगा? तो डेफिनेटली काम आएगा, क्योंकि देखिए, हम सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाए हैं। बिहार पुलिस का जितना भी हमारा वीडियो मिलेगा, हमने सब सिलेबस पर ही कराया है, ये नहीं कि सिलेबस से हटके। तो ये ऐसे वीडियो हैं जो आपको किसी भी बिहार पुलिस में काम आएगा, चाहे इस बार या अगली बार या उससे अगली बार, क्योंकि मैं सिलेबस से पढ़ाया हूँ। तो आपके पास एक विकल्प और है कि लगभग 100-150 वीडियो है हमारा, आप टारगेट सेट करिए कि एक दिन में हमको 2-3 वीडियो, अच्छा ज़्यादा लंबा वीडियो होता भी नहीं है हमारा, 10 मिनट का, 15 मिनट का, बहुत हुआ तो 20 मिनट का। तो आप दिमाग में ये बनाइए कि इनका 4 से 5 वीडियो हम देखेंगे, 2 सुबह देख लिए 10-10 मिनट वाला, दोपहर में 1 देख लीजिए 20 मिनट वाला, और शाम को 2 देख लीजिए 20-20 मिनट वाला, है ना। 5 वीडियो देखिए, और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सबको एकदम फटाफट रिवीजन के तौर पर देखते रहिए। ये नहीं कि रटने के चक्कर में मत रहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, याद करने के चक्कर में मत रहिए कि हम उसको यादें कर लें, नहीं, याद नहीं होगा।
एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे ना कोई चीज़ को, तो जब एग्ज़ाम में वो ऑप्शन आएगा आपके सामने तो आपको स्वतः याद आ जाएगा कि हाँ हमने फला पढ़ा था। अब आप रटेंगे, दिमाग को लोड देंगे, प्रेशर देंगे, कुछ याद होगा कुछ भूल जाएंगे और वही एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाएगा, लगेगा कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, फिर आपका नुकसान होता है ना। तो आप लोड मत लीजिए, जितने भी वीडियोज़ हैं अगर देखना चाहे तो देख ले, नहीं तो अगर किसी अन्य चैनल को फॉलो करते हैं तो वहाँ भी देख सकते हैं आप, जो पैटर्न पर पढ़ाया हो, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया हो, ऐसे नहीं कि जो कुछ भी पढ़ाया हो वहाँ नहीं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिलेबस से भटकेंगे, चूँकि GK और GS महासागर है, कितना पढ़ेंगे आप कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सिलेबस होता है। सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो सही दिशा में कम समय में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो जो भी सिलेबस के अनुसार पढ़ाया है उससे आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप मुझसे या आपको जहाँ इच्छा लगे, जहाँ दिल लगे वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप करिए। अब आखिरी बार एक चीज़ और मैं बता दूँ, टेलीग्राम पर मैं क्विज कर रहा था, अब बहुत संख्या में लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्विज अब तो स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैं दो चीज़ करने वाला हूँ, पहला तो मैं प्रैक्टिस सेट आपको कराने वाला हूँ इसी चैनल पर PDF के माध्यम से, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट आपको PDF के माध्यम से कराने वाला हूँ, 50 क्वेश्चन का सेट होगा डेली, वो आपको सुबह 9 बजे मिल जाएगा दिन में डेली रोज़ाना, उसके PDF भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ये प्रैक्टिस सेट वाला शुरू कर दूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूँगा तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा और उसका डिटेल सॉल्यूशन भी करा दूंगा यूट्यूब पर और टेलीग्राम पर PDF भी दे दूंगा। हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, या टेलीग्राम चैनल पर जाकर के सर्च करिएगा पाठशाला विद KK, लगभग 4000 प्लस बच्चे हैं उसमें, तो आप भी उसमें जुड़ करके, और जैसे क्विज भी जल्दी स्टार्ट करूँगा, ये मत सोचिए कि क्विज नहीं स्टार्ट करूँगा इसको स्टार्ट करूँगा तो ना, हम वादा किए हैं। आप लोग को याद होगा अगर पिछली बार 1 अक्टूबर के एग्ज़ाम के पहले अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि दिन रात मैं आपको क्लास देता था, सुबह देता था, शाम को देता था, क्विज कराता था, टेस्ट कराता था, सब आपको कराता था, याद है कि नहीं याद है बताइए, कमेंट करिए याद है ना। और इस बार भी मैं आप लोग को ये कह रहा हूँ कि अब एग्ज़ाम डेट आ गया है, अब आप कमर कसिए, आप अगर तैयार हैं तो मैं आप लोग के लिए दिन रात मेहनत करूँगा। आप लोग को पता है कि मैं पूरी रात ड्यूटी करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो लाता हूँ, थोड़ा बहुत सोने में अपना कटौती कर लेता हूँ, थोड़ा चलो कम सोएंगे, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस बार कम से कम 21,391 में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत धैर्य का परिचय दिया है, बहुत मेहनत किया है। तो यह मेरी जो इच्छा है यह कैसे पूरा होगा बताइए, यह आपके सहयोग से, मैं आपको सही दिशा दिखाऊंगा, आप बस चलने को तैयार रहिए। जो भी मैं देखिए एक बार लास्ट में मैं फटाफट बता दूं, वीडियो लंबा नहीं करूंगा, लूसेंट ऑक्रॉन फटाफट रिवीजन करिए, दूसरा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, देखिए आप खुद से भी लगाइए और जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसको भी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। हम PDF भी देंगे इस बार, PDF भी देंगे दो, और प्रीवियस ईयर अगर चाह रहे हैं तो उसको लगाइए, और नहीं तो हम अपने चैनल पर लगा ही रहे हैं, ये भी लगा लीजिए। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, NCERT सार संग्रह का क्लास भी तो चल रहा है, अगर समय मिले तो उसको ज़रूर देखिएगा, सोने पर सुहागा होगा, सब पढ़े लिखे रहेंगे और NCERT सार संग्रह वाला जब पढ़ेंगे ना तो इतना मान लीजिए कि एकदम भर जाएंगे आप GK GS बिहार पुलिस के लिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तगड़ा आप तैयार हो जाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि सब कुछ हो तो जुड़ जाइए और अपने भाई मित्र दोस्तों को भी जोड़ लीजिए और कमेंट करिए कि मैं कब से किस तारीख से प्रैक्टिस सेट शुरू करूं। इंतज़ार है आपके कमेंट का, अगर आप लोग कल से कहेंगे तो मैं कल से शुरू कर दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।